हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी। तो देखिए, हम एक लोगों के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिया हाफ कटोरी साबूदाना, जिसको हम अब वॉश करके अच्छे से भिगोएंगे। तो देखिए, बड़े बर्तन में डालकर इसे मसल मसल कर हम धुल लेंगे 2 से 3 बार। ये देखिए कितना गंदा सा क्लाउडी सा पानी निकल रहा है। तो जब तक इसका पानी निकलेगा तब तक हमको इसको वॉश करना है अच्छे से मसल मसल कर। तो ये देखिए, 2-3 पानी से हमने इसको धुल लिया है अच्छे से। तो ये एकदम साफ़ हो गया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हमने जितना साबूदाना लिया था उससे थोड़ा सा कम, 2-3 स्पून कम पानी से हम भिगो करके रखेंगे। मतलब इतना पानी रखना है कि साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो ये देख सकते हैं, हमारा साबूदाना भीग चुका है। हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये देख सकते हैं, साबूदाना भिगोने के आधे घंटे बाद हमको इस तरह से थोड़ा सा चला देना है, और उसके बाद में 2 घंटे के करीब इसको रख देना है। ऐसे ही सिंपल से रख देना है इसको। इससे ना हमारी खिचड़ी जो साबूदाने की बनेगी वो बहुत अच्छी, बहुत यम्मी और खिली खिली सी बनेगी। तो चलिए, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। ये देखिए गाइस, 2 घंटे हो चुका है, तो अपना देख लेंगे। ये देखिए, सारा खिला खिला साबूदाना मिल गया है हमको। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो हमने तैयारी सारी करके रखी है पहले ही। 5 से 6 बॉयल्ड आलू, छोटे छोटे आलू थे हमारे, इसलिए हमने 5 से 6 ले लिए हैं। और ये मूंगफली के दाने, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, मिर्च कट करके रख लिए, और धनिया। तो इनसे चलिए बनाते हैं। ये देखिए, 2 से 3 स्पून हमने घी ऐड कर लिया है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो दाने जो हमने धुल कर रखे थे उनको हम इसमें डालकर रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, दाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, चिटक चुके हैं। तो ये बीच बीच से नहीं, जब हमारे दाने अच्छे से कुक हो जाते हैं तो दाने बीच से फट जाते हैं, तो उसी तरह से हो गया है। तो इनको अब हम क्या करेंगे, बाहर निकाल कर रख लिया है हमने अलग प्लेट में। ये हमने डाल दिया है टमाटर। देखिए, पहले मैं 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला, फिर हमने टमाटर डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये हमारा व्रत वाला नमक है, तो इसको हम टमाटर को पकाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसको हम ढक करके कुक करके पका लेंगे। देखिए गाइस, इसको हम ढक करके पका लेंगे। बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे, जिससे कि ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ, यानी पक जाएँ। तो ये देखिए, अब इसमें हम हरी मिर्च, देखिए हमने मिर्च में चीरा लगा दिया है, जिससे कि मिर्च चिटके नहीं। हमको ऐसे खड़ी पकी हुई मिर्च बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से हमने खड़ी 2 मिर्च डाल दी हैं, और 2 मिर्च हमने कट करके डाली हैं। और इनको हम इसी टमाटर के साथ पका लेंगे ढक करके, जिससे कि थोड़ा सा तीखी कम लगेंगी और स्वाद भी इनका बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा टमाटर कुक हो चुका है और साथ में मिर्च भी कुक हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं। इसमें हम डालेंगे बॉयल्ड आलू, 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे चलाते हुए इस तरह से, और फिर हम इसमें अपने और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो जो आलू चिपके हुए हैं उनको भी हम आपस से हटा लेंगे, और इन्हें भी हटा करके कर लेंगे कुक। ये देखिए, मूंगफली के दाने ऐड करेंगे, और अब हम अपने जो साबूदाने रखे हुए हैं उनको भी इसमें ऐड करके पकाएंगे। ये देख सकते हैं, इनको हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम चलाते हुए पूरी तरह से कुक करेंगे, जिससे कि ये हमारे एकदम सॉफ्ट और अलग अलग खिले खिले से बने साबूदाने की खिचड़ी। देखिए गाइस, हमने अपने साबूदाने की खिचड़ी में आलू की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा की है, क्योंकि बच्चों को हमारे साबूदाने के खिचड़ी के आलू बहुत बहुत पसंद आते हैं, इस वजह से। तो इसको हम चलाते हुए कुक कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमें डाली हरी धनिया, क्योंकि हमारा साबूदाना पक चुका है, ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो इसको हम, ये देखिए ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, तो ये हमारा कुक हो चुका है। तो हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, और ढक करके इसी तरह से छोड़ देंगे बिल्कुल धीमी फ्लेम पर, जिससे थोड़ा सा कसर रह जाती है ना, वो भी कुक हो जाएगा। तो देखिए, सारे के सारे साबूदाना हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं, और इसको हम ऐसे उलट पलट देंगे, और फिर हम इसे करेंगे सर्व। देख सकते हैं,
बहुत अच्छा, बहुत यम्मी बनता है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सच में देखकर खुश हो जाएंगे, खिले खिले साबुदाने। तो चलिए इनको हम सर्व कर देते हैं। ये देख सकते हैं, ये आलू की वजह से आपको चिपके चिपके लग रहे होंगे, मगर बहुत अच्छे, बहुत यम्मी। खा करके एक बार देखिए कि कितने टेस्टी बन करके आते हैं ये हमारी साबुदाने की खिचड़ी। तो इस तरह से बनाइए। आपको अगर खट्टा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर आप नींबू डाल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमें खट्टा फ्लेवर नहीं पसंद है, इस वजह से। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।